प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी जिसकी जो भुजा है एडी उस पर बढ़ाई गई जो भुजा है एडी को आगे बढ़ा दिया तो उस पर ए ई कोई बिंदु है तथा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, तो ये हमें समरूप दिखा देगा। अब देखो क्या दिया गया है, जो कुछ ये लिखा हुआ था हमने एज इट इज लिख दिया इसको कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बनाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो बिल्कुल सेम है एज इट इज लिख दिया, कॉपी कर लिया हमने, सिद्ध करना है वो भी हमने एज इट इज लिख दिया, सिद्ध करना है। अब हम इनको समरूप दिखा रहे हैं, अब की बार चित्र नहीं दिया है तो आकृति हमें बनानी है। अब देखो उसने कहा समांतर चतुर्भुज, तो एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, इस तरह से हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना ली, कौन सी ए बी सी और ये हमारा डी, इसमें की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ा दिया इस तरह से, पर स्थित कोई बिंदु ई, इस पर कोई बिंदु ई है तथा बीई भुजा सीडी को, बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, सीडी को प्रतिच्छेद करती है बीई, देखो बी को ई से मिलाएंगे इसका मतलब ये मिला दिया, सीडी को कहां पे प्रतिच्छेद करती है एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई ये बड़ी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के यानी कि एक तो त्रिभुज ये वाली ए बी ई, ए बी ई और एक सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी यानी कि ये एक त्रिभुज ये वाले, इनको हमें क्या दिखाना है समरूप दिखाना है। तो देखो जी कैसे करेंगे, इस त्रिभुज में ये कोण, कोण ए, बड़ी त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, मैं कह रहा हूं कि कोण ए बराबर है कोण सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक बात तो होगी, दूसरी बात, दूसरी चीज को समझने के लिए हमें एक पहले अलग से देखते हैं, हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं या आप रेखा खंड भी ले सकते हैं और ये हमारे पास एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण और ये वाला कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण। अब मैं इसको अगर हटा दूं यहां से तब ये बात सही है, उसके बाद मैं इसको अगर छोटा कर दूं, इसके बीच बीच का रख लिया ना, अब आप इसको देखो एबी और सीडी क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर है ये दोनों एबी और सीडी और ये एक तिर्यक रेखा होगी, तो ये जो कोण हुआ और ये जो कोण हुआ ये आपस में बराबर नहीं होंगे, एकांतर कोण होंगे, ये आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण होंगे, इनको नाम या तो एक कोण एक और कोण दो दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा ही कोई ज्यादा सामने हो कोई चक्कर नहीं है, दूसरा कोण हमारा प्रूव हो रहा है कोण बी बराबर कोण एफ लिख दो उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, और अगर आप इसको पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख दो। अब देखो हम ए बी ई
ए बी ई, इसपे हमारा ये वाला कोण, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, कोण ए बी ई, यही नाम दे देते हैं, कोण ए बी ई बराबर है किसके, इस त्रिभुज में देखो कोण किसके बराबर होगा, सी एफ बी कह लो या फिर बी एफ सी कह लो, तो कोण बी एफ सी के, तो ये हमारे पास कैसे हो गए, एकांतर कोण हो गया हमारे पास, कोण दो कोण बराबर हो गए, इसका नाम भी दे सकते हैं आप, इसका कोण एक कोण दो नाम दे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दो कोण बराबर हो गए तो हम लिख देंगे कि कोण कोण समरूपता कसौटी के अनुसार, हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी ई वो समरूप होगी त्रिभुज सी एफ बी की, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो पहले बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ना तो हमें आकृति दी गई थी वो भी हमें खुद ही बनानी थी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा था कि ओरल सोल्व हो गया, अगर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप क्वेश्चन को ओरल सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।